गाइस वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। सो आज हम निकल रहे हैं पहलगाम के लिए, और अभी यहाँ से श्रीनगर से पहलगाम का सफ़र है करीबन 90 प्लस किलोमीटर होगा, 90 प्लस किलोमीटर है। तो अभी हमारा कैब आ चुका है नीचे, तो अभी हम निकल रहे हैं। आज होटल से चेकआउट कर लिया, आज हम लोग पहलगाम पे ही ठहरेंगे। सो वहाँ होटल बुकिंग है, और आज और कल थोड़ा सा क्या एक्टिविटीज़ है वहाँ पे वो करते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को, ठीक है। रेनी रेनी डे। नीचे पानी है, चारकोल डाल दो। चारकोल, अच्छा कोयला डाल दो। इसको बोलते हैं समावार, कश्मीरी समावार। कावा इसलिए बनता है, कावा पियो आप सब कुछ भूल जाओ। ठीक है, बनाइए। तो बनाइए और भी डालते उसमें केसर ऑलरेडी डाला हुआ है, इसीलिए इतना खुशबू आ रहा है। ये ड्राई फ्रूट्स है ना? ड्राई फ्रूट्स। ये बेड सिर्फ मतलब क्रिकेट बेड है, तो ये तो बाहर भी जाता होगा। ये बेड तो बाहर जाता है। हाँ, बाहर जाता है। ये क्रिकेट बेड के इंटरनेशनल प्लेयर भी कितना से होता है स्टार्टिंग भैया? स्टार्टिंग कितने से होता है बेड का? इसका मैक्सिमम प्राइस कितना तक जाता है?
बेड का ज़्यादा प्राइस कितना, हाईएस्ट प्राइस कितना होता है? 3-4 हज़ार तक जाता है ना। जानना ज़रूरी होता है कि हमारे इंडिया में बहुत कुछ बनता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने इतना ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स लिया, इतना कुछ बनता है कश्मीर में। कश्मीर तो इंडिया का एक पार्ट है। और अभी हम यहाँ पे देखने आए हैं ऑन द वे बेड, बेड का फैक्ट्री, ढेर सारा बेड यहीं से निकलता है। एक के जी से 50 ग्राम ज़्यादा है ये। अच्छा, वेट के हिसाब से होता है। 200 ग्राम, 10.5 से था, 1050 ग्राम का ये है। हमारे क्रिकेटर सब खेलते हैं इससे, ये लेते हैं। इससे तो बाहर जाता है ना। लंच के लिए रुके हैं एप्पल वैली रिजॉर्ट। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, मैं बाहर निकल के दिखाऊंगी वैसे। तो यहाँ पे सब एप्पल का पेड़ है और हमने अभी खाना ऑर्डर किया है, लंच नान और ये क्या बोलते हैं कश्मीरी टमाटर, कश्मीरी टमाटर। पूरा एप्पल का फूली फूल है, यहाँ से एप्पल लगेंगे। ठंडा बहुत है, हाथ साथ कप रहे हैं। अगर मेरा वीडियो हिलता हुआ नज़र आए ना तो समझ लेना ठंड के कारण मेरा हाथ कप रहा है। सो यही है वो पिच, यहीं से शाहरुख खान ने बॉम्ब डिफ्यूज किया था यहीं पे। मैं अभी खड़ी हूँ, ये ब्रिज जो मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जब तक है जान बी का शूटिंग हुआ था और वो जहाँ पे बॉम्ब डिफ्यूज़ करता है ना, उन लोग का शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा जो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, तो वही है पॉइंट बेलगाम के रोड पे है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा हवा दे रहा है। हेलो गाइस, आज हम लोग पहलगाम आ चुके हैं और हमने पहलगाम पे जो होटल बुक किया था वो एक बार मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लगेज बिखरा हुआ है, तो ये एंटर करते ही पहला ये कमरा है जहाँ पे आप लंच डिनर कर सकते हो और यहाँ से आपको व्यू दिखता है कुछ ऐसा। एक्चुअली हम लोग ने रिवर फेसिंग होटल बुक किया था। ये देखिए पहाड़ भी दिख रहा है यहाँ से, बर्फ़ का पूरा।
देखिए ये पहलगाम पे है, और ये कर्टेन देखिए पूरा कश्मीरी हैंडवर्क पे है, बहुत ही खूबसूरत कर्टेन है। और यहाँ से हम लोग का रूम है, बेडरूम, और ये बेडरूम का कुछ ऐसा है नज़ारा, दो साइड खिड़की है और ये बेडरूम है। यहाँ से भी अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ये देखिए। और अगर यहाँ से भी देखना चाहेंगे तो यहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है। जो नेचर लवर है उनको तो ये होटल बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज़ मुझे भी ये होटल बहुत अच्छा लगा है। टेबल है, ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ पे आपको ये ब्लैंकेट गरम के लिए ये भी मिल जाएगा। और एक बार बाथरूम दिखा देती हूँ आपको मैं, तो ये देखिए बाथरूम, गीजर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और बहुत नीट एंड क्लीन है बाथरूम भी। और ये सब वुडन है एक्चुअली, ये दरवाज़ा हो गया, ये सब डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, सब वुडन है, सब कुछ वुडन है। और ये एक्चुअली जो रिवर जा रहा है वो लीडर रिवर है, और पहलगाम का, और उसी के सामने हमारा होटल है, और होटल का नाम है वाइट हाउस, होटल वाइट हाउस है। एक्चुअली मैंने ये मैकमाई ट्रिप के थ्रू बुक किया है। एक्चुअली हम लोग कुछ रिवर व्यू होटल ढूंढ रहे थे, तो अभी तो सीज़न का टाइम है, तो सारा होटल पहलगाम का फुल था, पैक था, तो मुझे यही होटल मिला जो रिवर व्यू में था लास्ट, तो मैंने इसको बुक किया। लेकिन बुक करते वक्त मैंने थोड़ा कमेंट वगैरह जो रिव्यू होता है उस पर थोड़ा सा मिला था, लाइक ये होटल अच्छा नहीं है, या फिर सर्विस अच्छा नहीं है, या फिर नीट एंड क्लीन नहीं है। तो मैं तो अभी मैंने चेक इन किया, तो अभी तो आपने देखा ही पूरा वीडियो मेरे साथ, तो इससे ज़्यादा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब अभी देखिए कंक्रीट का 5 स्टार 4 स्टार में तो सब लोग रहता है, थोड़ा सा अगर नेचुरल व्यू लेना है तो आपको तो आना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा लगा मुझे आके, ऐसा नहीं लगा कि जैसे मैंने जो रिव्यू पढ़ा था उसके हिसाब से। तो फाइव दिन ऑर्डर किया था सिंपल सा, खा लेते गरम गरम डिनर, चिकन है, राइस है, दाल है, पूरा लोकल मस्त है।